चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में। नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700-49-75। नमस्कार, मैं हूं सोनल गुप्ता। बिहार न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे के गांव में एक मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि मजदूर जो है वो रांची का रहने वाला है और मंत्री के गांव में एक चिमनी पर ईंट ढोने का काम करता था, मजदूरी करता था, उसने आत्महत्या कर ली है। घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के बलिया पोखरा गांव का है। बताया जाता है कि मृतक मजदूर रांची का निवासी है और होली के दिन देर रात उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही महाराजगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया है। बता दें कि मृतक का नाम संतोष है, जो रांची का रहने वाला है और महाराजगंज बलिया पोखरा गांव में एक चिमनी में ईंटा ढोने का काम करता था। उसकी पत्नी ने बताया कि होली के दिन खाना खाकर दोनों सोने चले गए। जब सुबह उसने देखा तो पाया कि संतोष फांसी के फंदे से लटक रहा है। उसने इसकी सूचना पड़ोसियों और स्थानीय लोगों को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया है। आपको बता दें कि बलिया पोखरा गांव बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भी गांव है, जहां एक मजदूर ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि मजदूर रांची का रहने वाला है और बलिया पोखरा गांव में एक चिमनी में ईंट ढोने का काम करता है। पति और पत्नी दोनों मजदूरी का काम करते थे। होली के दिन देर रात दोनों खाना खाकर सो गए। सुबह जब पत्नी उठी तो देखा कि उसके पति यानी कि संतोष फांसी के फंदे से लटका हुआ है। उसने इसकी सूचना स्थानीय लोगों को दिया, साथ ही प्रशासन को भी इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर महाराजगंज पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया है। तो बड़ी खबर आप बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं, जहां बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गांव बलिया पोखरा गांव में एक मजदूर ने आत्महत्या कर ली है। अपने से फांसी लगा लिया, कुछ नहीं होले रहल, अपने बकबक झपटप करत रहल, लड़ाई झगड़ा में लगल, तीन दिन से सोले ना रही हम। अचानक हम नींद जाते, मेरा सोने के बाद ही हो गया। घर में हुआ है? हाँ, घर में कुछ झगड़ा नहीं होले रहल उस टाइम। कहाँ घर है आप लोग? रांची। क्या करते हैं लोग? जब फांसी लगाए थे आप घर में नहीं थे? थे, वहाँ हम सो गए। अच्छा, रात में लगाए? सोने के बाद हुआ है। अच्छा, कैसे लगाए फांसी? रस्सी से लगाए थे। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। अपना नाम बता दीजिए। लक्ष्मी। और उनका क्या नाम है? संतीपुरा। आपका नाम? लक्ष्मी उरा। कितना साल पहले शादी हुआ था? 4 साल। बच्चा भी है? एक बेटा है। ठीक। मामला ये है कि मजदूरा है, रांची का रहने वाला है, रात करीब कब अपना से आत्महत्या कर लिया है फांसी लगाकर। इनका परिजन द्वारा पता लगा। काहे किया, कुछ पता चला है? ना ना, परिजन द्वारा पता लगा। बीबी बोल रही है जो कोई पता नहीं है। क्या करता था वो? मजदूरा है, कोयला अथी कर रहा था। हाँ, कोयला बना रहा। किसके साथ रहता था यहाँ पे? सुरेंद्र सिंह चमनी भाटा, VIP, संदीप उड़ाव। संदीप उड़ाव 26 वर्ष लगभग, सिसाव थाना के रहने वाला है, जो चमनी भाटा VIP पर रहता था। रात फांसी लगाकर मर गया है। कहाँ की घटना है? पोखरा। कौन पोखरा? महाराजगंज पोखरा, मंत्री जी के गांव है। अच्छा, हमारे वकील माजी क्या है वहाँ पे? चौकीदार हैं। पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। शिक्षा एवं समाज में बेहतर काम के लिए आइकॉन ऑफ बिहार से सम्मानित, गुरु सम्मान से सम्मानित सिवान के प्रसिद्ध केमिस्ट्री टीचर संजीव कुमार मिश्र द्वारा संचालित संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस में आज ही नामांकन कराएं और पढ़ें केमिस्ट्री की बेहतरीन पढ़ाई। अगर आपको करना हो JEE, PMT, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई, तो आज ही ज्वाइन करें संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस।
पता है आर्य समाज मंदिर कैंपस डीएवी कॉलेज मोर सिवान और दूसरा ब्रांच है वीएमएचई स्कूल के सामने जेके कॉन्वेंट कैंपस महादेव में। संपर्क नंबर है 7909087935 9973017626। पिछले 10 सालों से सिवान में सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री में रिजल्ट देने वाली संस्था है। यहाँ से लड़के केमिस्ट्री में बिहार और सीबीएसई बोर्ड में 95-96 मार्क्स तक प्राप्त किए हैं। ये संस्था बच्चों को 11-12 के साथ साथ जेई और नीट के प्रिपरेशन के लिए प्रतिबद्ध है और प्रत्येक साल हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ से लाभान्वित होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।